Hello everyone, welcome in this management session. Today you are going to learn some principles, practices, theories and definitions of management. But before diving into that subject, let me ask you a question first. पूरी दुनिया में इंडियंस क्यों फेमस हैं? हमारे पीएम साहब का नाम मत लीजिए. स्पेल बी में हर साल अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ने वाले हमारे इंडियन बच्चों का भी नाम मत लीजिए. इंडियन करी का भी नाम मत लीजिए. और पूरी दुनिया के टॉप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हमारे टॉप के सीईओज और सीटीओज का नाम भी मत लीजिए. तो फिर बचा क्या? मैनेजमेंट. पूरी दुनिया में मशहूर है कि जैसी मैनेजमेंट स्किल्स इंडियंस के पास है वैसे किसी और के पास नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तुम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, चार के सिटिंग बर्थ है, पाँच ऑलरेडी उस पर बैठ कर जा रहे हैं. अचानक से तुम देखते हो कि कॉरिडोर में एक बंदा चला आ रहा है और किनारे बैठे आदमी के कान में झुककर धीरे से कहता है, भैया कल हमारा पेपर है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए. और देखने वाले देखते रह जाते हैं कि चार के सिटिंग कैपेसिटी वाली बर्थ पर छह लोग बहुत आराम से बैठकर जा रहे हैं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं. तुम्हारे घर में शादी पड़ी हुई है, कमरे सिर्फ तीन हैं और तुम्हारे पिताजी ने पूरे नाथ बांध पटदार को न्योता भेज रखा है. स्पेस मैनेजमेंट कैसे करोगे? घर के सारे सोफे, कुर्सी, बेड बाहर निकाल दिए, घर के कमरों में नीचे ज़मीन पर गद्दे बिछा दिए और अब वहाँ पर मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, ये सारे लोग नीचे लेटे हुए हैं. आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब एज अ मैनेजर देयर. लेट अस हैव अनदर एग्जांपल फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड. सपोज यू आर रनिंग अ बिजनेस और बिजनेस में कैपिटल्स हमेशा कम होते हैं. अब तुम्हारे सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है. तुम्हें लगता है कि अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मैं फ़ायदा उठा लूँ तो मेरा प्रॉफिट 10x या 20x बढ़ जाएगा, बट तुम्हारे पास कैपिटल है नहीं. तो हाउ विल यू मैनेज दिस? तुम बैंक से लोन ले सकते हो, किसी फ्रेंड से लोन ले सकते हो या कोई एसेट मॉर्गेज रख के फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हो. ये तीनों एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ग्रेटर रिक्वायरमेंट्स. ये लिमिटेड रिसोर्सेज और ग्रेटर रिक्वायरमेंट्स के बीच का जो गैप है ना, इसको बीच में कहीं मिला देने की कला का नाम है मैनेजमेंट. एंड आई लव दिस सब्जेक्ट, आई रियली लव दिस सब्जेक्ट. डू यू नो व्हाई? आई बिलीव द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीशीज डिपेंड्स ऑन थ्री सब्जेक्ट्स. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स टेल्स यू टू डील विद द थिंग्स विच यू कैन क्वान्टिफाई, लाइक डिस्टेंस, वेट, स्पीड. And the second subject is psychology. Psychology tells you to deal with the things which you cannot quantify, like feelings, emotions, politics, jealousy, motivation. And management. Management is such a lovely subject, such a unique concept that tells you to deal with the things which you can quantify or you cannot quantify. Now, nowadays when we talk about management, people think that we are talking about business management only. They are not wrong, but that's not the entire truth. Why? People think we are talking about business management because the term management gained popularity during 17th and 18th century when the industrial revolution in Europe happened. People started moving from farm to factories, they were establishing their own factories, they were establishing their own businesses. And they thought this might be the right time to get some structured formats, to get some structured principles and theories for managing their business. But actually, the concept of management is way old. Think about our ancient time, think about our ancient history. We were doing agriculture on a large scale. We were doing businesses, import and export across the globe. We were fighting wars, we were conquering nations. And do you think all these things can happen without the concept of management? No. You cannot survive a minute in this world without managing something. The moment you are living today, you are managing intake of oxygen and release of carbon dioxide.
एवरी सेकेंड एवरी मिनट यू आर मैनेजिंग समथिंग. एक्चुअली द टर्म मैनेजमेंट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड मैनेजेरियो विच मीन्स टू हैंडल अ हॉर्स और टू टेम अ हॉर्स. नाउ यू हैव टू सी द ब्यूटी हियर द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. दे स्पेसिफिकली सेड टू टेम अ हॉर्स. दे नेवर सेड टू टेम अ लायन टू टेम अ फॉक्स टू टेम अ बुफेलो टू टेम अ क्रो एनीथिंग लाइक दैट. बट वाई हॉर्स? बिकॉज when you ride a horse, if you ride a horse, when you ride a horse, you have a certain destination in your mind. You want to reach somewhere. You have a goal. And when you start managing a business, you have a predefined goal. You have a business objective. You want to reach somewhere. And the second thing, horse is a highly volatile animal. Like the internal and external environment of the business. सैकड़ों फैक्टर होते हैं, कभी भी कुछ भी बदल सकता है. तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि अचानक से ये क्या चेंज हुआ. यू आर डूइंग योर बिजनेस एंड मार्केट में अचानक से कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है. यू आर डूइंग योर बिजनेस वेरी फाइन बट गवर्नमेंट का कोई नया आदेश आ जाता है. यू आर डूइंग योर बिजनेस वेरी गुड और अचानक से तुम्हारी सेल्स फोर्स या तुम्हारा लेबर स्ट्राइक पर चला जाता है. यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है. दैट्स वाई इट्स अ फन. इट्स अ फन टू मैनेज योर बिजनेस, राइट? जैसे अगर तुम्हें याद हो, कुछ साल पहले इंडियन मार्केट में BS4 मार्क की गाड़ियाँ बिक रही थी एंड सडनली गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि अब से BS6 मार्क की गाड़ियाँ बिकेंगी. नाउ इफ़ यू आर डीलिंग इन दैट बिजनेस, इफ़ यू आर डीलिंग इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, यू हैव टू मैनेज दैट सिचुएशन. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. अभी कुछ साल पहले पूरा इंडिया कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा था और एक शाम अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि 2000 के नोट्स अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. नाउ इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यू हैव टू मैनेज दैट सिचुएशन. एंड मेरे पास इस सिचुएशन के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है. अगर आपको याद हो, जिस दिन ये डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ उसके अगले दिन पेटीएम का फुल पेज ऐड हर मेजर न्यूज़पेपर्स पर छपा हुआ था. इतनी तेज़ी से चेंज होता है कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस का और इतनी तेज़ी से रिएक्ट करना होता है आपको. सर्वाइविंग इन बिजनेस इज नॉट एन ईजी टास्क बट यू हैव टू डू इट. दैट्स योर जॉब, दैट्स योर स्किल. Now, to understand fully the concept of management, you have to understand three more things. The concept of effectiveness, the concept of efficiency, and the concept of resources. Let us talk about the resources first. Or rather, should I say, sources first. What is the difference between sources and resources? See, source is a thing which is available to all. Like sunlight. Sunlight is a source of energy, source of light, source of heat, which is available to all. But when you invented a solar cooker, when you invented a solar panel, now you are redirecting that energy for your own use. Okay? I hope you got my point. Now let us talk about effectiveness and efficiency. The term effectiveness means how you can improve the speed of production, okay? And the efficiency means how you can maintain the quality of output. Now, let us take another example. Suppose करो, तुम्हारे पास टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है जो कि कोई भी साइंस ग्रेजुएट आसानी से बना सकता है. Now, if you are manufacturing torches, you are just a manufacturer. But if you are really a manager and you want to improve that process, what will you do? You will speed up the process. पूरी असेंबली लाइन को तुम एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे और उसके बाद हर स्टेप पर ये देखने की कोशिश करोगे कि क्या करने से इस काम करने की स्पीड बढ़ सकती है. But the work is not done here. You have to think about efficiency also. And efficiency means
आउटपुट क्वालिटी। तुमने टॉर्च तो बना दी, बहुत जल्दबाजी में बना दी, बहुत तेजी के साथ बना दिया, बट द टॉर्च इज नॉट वर्किंग, वॉट इज द यूज ऑफ दैट स्पीड? नथिंग, इट्स वर्थलेस। सो व्हेन यू आर स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ टॉर्च, यू हैव टू सी कि हर बार ऑन करने के बाद वो टॉर्च जले। एक बार ऑन करो तो भी जले, 10 बार ऑन करो तो भी जले, 1000 बार ऑन करो तो भी जले। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी एंड दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम फॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट अस सी हाउ हेनरी फॉयल, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड MBA, डिफाइंड मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल गेव द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ही सेड, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, अ मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन बोथ साइंस एंड आर्ट, एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वॉज गिवन बाई मैरी पार्कर फॉले। शी सेड, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इज मैनेजमेंट। हेयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ आवर ओन टाइम, पीटर एफ ड्रकर। ही सेड, मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाई मीन्स ऑफ विच द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर डिटरमाइंड, क्लैरिफाइड एंड इफेक्चुएटेड। अकॉर्डिंग टू क्रीटनर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाई इफेक्टिवली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। राल्फ सी डेविस डिफाइंड द मैनेजमेंट एज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर। हेराल्ड कून्स डिफाइंड द मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, द मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड देन सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आई होप दिस वॉज एन इन्फॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ मोर विजडम। टेक केयर।